हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेटर्स ज्ञान मनोज चेस। सो फ्रेंड्स, आईपीएल 2021 के खिलाड़ियों की नीलामी हो चुकी है फ्रेंड्स, जिसमें हम जानने वाले हैं आईपीएल सीज़न 14 यानी कि 2021 में 10 सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी, जिसमें बहुत से खिलाड़ियों की किस्मतें चमक उठी है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कौन से टीम ने कौन से खिलाड़ी को कितने में खरीदा। सो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आईपीएल 2021 के ऑप्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे हैं क्रिस मॉरिस। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ में खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले युवराज सिंह को 16 करोड़ में खरीदा गया था। अब ये आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें फ्रेंड्स, आरसीबी ने पिछले साल क्रिस मॉरिस को 10 करोड़ में खरीदा था। और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आईपीएल 2021 के ऑप्शन में दूसरे सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे हैं क्लेयर जेमिसन। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के 26 वर्षीय राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, इन्हें आरसीबी ने 15 करोड़ रुपये में खरीदा है। और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आईपीएल 2021 के ऑप्शन में तीसरे सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी सबसे महंगे बिके हैं। इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इन्हें 14.25 करोड़ में खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल किंग्स इलेवन पंजाब ने इन्हें 10.25 करोड़ में खरीदा था। और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आईपीएल 2021 के ऑप्शन में चौथे सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे हैं जय रिचर्डसन। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर, इन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने 14 करोड़ में खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, इनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ के करीब था। और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आईपीएल 2021 के ऑप्शन में पांचवें सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, हाईएस्ट अनकैप प्लेयर रहे हैं कृष्णप्पा गौतम जी। जी हाँ दोस्तों, इन्हें 9.25 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा है। इसके अलावा दोस्तों, पिछले साल यहाँ किंग्स इलेवन पंजाब ने इन्हें 6.2 करोड़ में खरीदा था। और आगे बढ़ते हम बात करेंगे आईपीएल 2021 के ऑप्शन में छठे सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे हैं रिले मेरिटी। जी हाँ दोस्तों, 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, राइट आर्म फास्ट बॉलर, इन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने 8 करोड़ रुपए में खरीदा है। और आगे बढ़ते हम बात करेंगे आईपीएल 2021 के ऑप्शन में सातवें सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे हैं मोइन अली। जी हाँ दोस्तों, मोइन अली को चेन्नई सुपर किंग ने 7 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं आरसीबी ने पिछले साल इन्हें इनके बेस प्राइस 1.75 करोड़ यानी कि 1.25 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा था। इसी के साथ मोइन अली इस लिस्ट में सातवें नंबर पर सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे हैं। और आगे बढ़ते हम बात करेंगे आईपीएल 2021 के ऑप्शन में आठवें सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे हैं शाहरुख खान। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड हाईएस्ट अनकैप्ड प्लेयर शाहरुख खान, जो तमिलनाडु की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, जिन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने 5.25 यानी कि 5.25 करोड़ रुपए में खरीदा है, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आईपीएल 2021 के ऑप्शन में नवे सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे हैं नेथन कुल्टर नाइल। जी हाँ दोस्तों, इन्हें मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ रुपए में खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले इन्हें मुंबई इंडियंस ने ही 8 करोड़ में खरीदा था। और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आईपीएल 2021 के ऑप्शन में दसवें सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी शुभम दुबे। जी हाँ दोस्तों, इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 4.40 करोड़ में अपने टीम में खरीदा है। तो फ्रेंड्स, यही है आईपीएल 2021 के 10 सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी। तो फ्रेंड्स, आपके मुताबिक कौन से खिलाड़ी को कौन से टीम ने कितने में खरीदना चाहिए था, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसी तरीके के लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।